नमस्कार। नंबर वन, कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम के समय पपीते का सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करने से कब्ज में राहत मिलती है। नंबर दो, दांतों को स्वस्थ एवं साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए, उसके बाद एक गिलास पानी पीकर ही सोना चाहिए। नंबर तीन, खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, बीच में एक ही बार पानी पीना चाहिए। यदि हो सके तो खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिए। नंबर चार, प्रतिदिन योगा करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, यह हमें गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। नंबर पाँच, फ्रिज में रखे ठंडे पानी को पानी पीने से बचना चाहिए, यह न केवल गले के लिए हानिकारक होता है बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। नंबर छः, कहीं भी बाहर से आने के बाद बाहर की वस्तुओं को छूने के बाद घर में खाना बनाने से पहले खाना खाने से पहले या हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। नंबर सात, यदि घर में छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों को हो तो स्वच्छता का अधिक ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े लोगों को बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। नंबर आठ, घर में सफाई, झाड़ू पोछा, जाला साफ इत्यादि करते रहना चाहिए। कूलर में या किसी भी गड्ढे में पानी अधिक समय तक नहीं भरा रहने देना चाहिए, जिससे वहां पर मच्छर, कीड़े मकोड़े पनपते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अतः हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर नौ, फर्श की सफाई फिनाइल आदि डालकर करनी चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए, यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। नंबर दस, खाने में पौष्टिक भोजन, दूध, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी सब्जियों का आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सब्जियों को धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। नंबर ग्यारह, खाने को पकाने के लिए सोयाबीन तेल, सनफ्लावर ऑयल, मक्का या ऑलिव ऑयल को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर बारह, बहुत देर तक एक ही अवस्था में नहीं बैठे रहना चाहिए। नंबर तेरह, वातावरण में विभिन्न प्रकार के वायरस पनप रहे हैं जिनसे हमें खुद को बचाना चाहिए और ये जानलेवा साबित हो रहे हैं। हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रहने के उपाय को बताना चाहिए, लोगों के स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए। नंबर चौदह, शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है जिससे हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। हमें सुबह की 2-3 घंटे की धूप लेनी चाहिए। नंबर पंद्रह, सर्दियों में सूखे मेवे खाने चाहिए परंतु कम मात्रा में। अखरोट सिलेनियम का अच्छा स्रोत है जिससे अखरोट को का सेवन करना चाहिए करना लाभदायक होता है। नंबर 16, संतरे, अंगूर, नींबू व अमरूद में विटामिन सी की अच्छी मात्रा में पाई जाती है जिनका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। नंबर 17, अपने भोजन को पोषण से भरपूर बनाए रखने के लिए इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, खनिज, लवण, एंटीऑक्सीडेंट की संतुलित मात्रा शामिल करनी चाहिए। नंबर 18, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए और अपने काम एवं जीवन में संतुलित बनाकर रखना चाहिए। नंबर 19, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनोरंजन गतिविधियों में भी खुद को व्यस्त रखना चाहिए। नंबर 20, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे हमारे शरीर के पार्ट डैमेज हो जाते हैं और एक आमाशय, फेफड़े इत्यादि खराब हो जाते हैं। नंबर 21, सपनों के संपर्क में रहना चाहिए और अपने मन के भाव को विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ साझा करना चाहिए। नंबर 22, बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी बातें बहुत ही ज्ञानपूर्ण बातें होती हैं। नंबर 23, तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, तांबे में बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं जो संक्रमण होने से बचाते हैं, यह पानी लीवर के लिए फायदेमंद रहता है। नंबर 24, सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को दूर रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और सही से आराम नहीं करने देते, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेव निकलती है जो हमारे शरीर हमारे लिए खतरनाक होती है और ये मस्तिष्क और शरीर को कमज़ोर करती है। नंबर 25, भूख से अधिक खाना, बिना भूख के खाना व असमय पर खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नंबर 26, शिशुओं के लिए समय में स्तनपान कराना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे बताए गए टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और आपको यह कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। मैं इसी तरह से आपके लिए आसान से टिप्स ले लाती रहूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट ज़रूर रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।